एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू लाइफ इज सोना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, घर में रहें, सेफ रहें। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में IM इंजेक्शन के बारे में शेयर करूंगी। जी हाँ गाइस, कि IM कैसे लगाया जाता है। IM यानी कि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। जी हाँ गाइस, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन हिप में लगाया जाता है। आपको पता ही है, पहले मैं वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में लगाया जाता है, जो बैक साइड हिप में लगता है उसे इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि IM क्या होता है और IV क्या होता है। IM यानी कि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, IV यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस यानी कि हाथ में लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर यानी कि हिप में मसल्स में लगाया जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, आज मेरे पास एक पेशेंट आने वाला है जिसे मुझे इंजेक्शन लगाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं आज ये शेयर कर लूँ कि मैं इंजेक्शन कैसे लगाती हूँ। तो आप भी, आपको मेरी वीडियो देख के थोड़ी सी हेल्प तो मिलेगी सही गाइस, क्योंकि आपको कभी इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाना पड़ गया तो आप मेरी वीडियो को देख के लगा सकते हो। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है गाइस, क्योंकि कोई सा भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता है अगर हम सोच ले तो। क्योंकि थोड़ा सा डर सबको लगता है, लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हमें करना है तो हम वो काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी ऐसा मत सोचिए कि नहीं यार, आपने नर्सिंग नहीं कर रखा या आपने डॉक्टरी फील्ड से कुछ भी नहीं कर रखा तो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर हम सीखना चाहें तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम करते हैं स्टार्ट आज की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सारे इंजेक्शन को बाहर निकाल लेना है, सॉरी एम्पुल को बाहर निकाल लेना है। मुझे यहाँ पे 3 एम्पुल एक साथ लगाने थे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंजेक्शन थे, इसलिए तीनों एक साथ लगाने थे। मैंने यहाँ पे लिए 5 ml की सिरिंज और मैंने तीनों इंजेक्शन को तोड़ लिया है। गाइस, जब भी आप इंजेक्शन को तोड़ो तब पूरी सावधानी के साथ तोड़े, क्योंकि कांच हाथ में लग सकते हैं। इसलिए उसमें एक डॉट दिया जाता है इंजेक्शन वाइल के ऊपर, सॉरी एम्पुल के ऊपर, तो आप इजीली उसे तोड़ सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो गाइस, मैं यहाँ पे इंजेक्शन को लोड कर रही हूँ। मुझे 3 इंजेक्शन एक ही साथ लोड करने थे, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे तीनों एक साथ लोड कर रही हूँ। और गाइस, पता है कैमरा, मैं आज ट्राइपॉड लेके भी नहीं आई थी, तो मैंने बस ऐसे ही कैमरा जस्ट, मतलब मैंने सोचा चलो शूट कर लिया जाए, आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं IM इंजेक्शन कैसे लगा रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे सामने ही मोबाइल लगा दिया था और मैं उसी से शूट कर रही थी। तो गाइस, पता नहीं कैसा शूट हुआ होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंजेक्शन रेडी हो चुका है लगाने के लिए। मैंने आपको जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि इंजेक्शन में कभी भी कोई एयर नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें एयर रहेगी तो इंजेक्शन सही नहीं लगेगा। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और इंजेक्शन लगाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें लगाना। तो गाइस, मैंने अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है और मैंने एक कॉटन लिया है जो स्प्रिट में कर लिया है। जी हाँ गाइस, इंजेक्शन लगाने से पहले आपको कॉटन को अच्छे से स्प्रिट में करना है, उसके बाद आप इंजेक्शन लगा सकते हो। तो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने स्प्रिट से अच्छे से उस जगह को क्लीन कर दिया है और IM इंजेक्शन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, यानी कि इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो कि हिप में लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हो। गाइस, थोड़ा सा दूर से शूट हुआ क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, कोई भी मेरे पास नहीं था मेरी हेल्प के लिए, इसलिए मैंने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के शूट किया है। तो गाइस, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो बस हमने इंजेक्शन को अंदर की साइड पुश किया है और पूरा पुश करना है हमें निडिल तक। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, और बस हमें निडिल तक पुश करने के बाद इंजेक्शन को लगा देना है। तो गाइस, ये इजीली इंजेक्शन लग गया, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस, इंजेक्शन प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट होती है। और दीदी बोल रहे थे कि धीरे से लगाना यार, धीरे से लगाना, मुझे बहुत डर लगता है। फाइनली हमने इंजेक्शन लगा दिया है, आप लोगों ने देखा। तो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे वीडियो आप आसानी से देख सके। तो गाइज़, आपने देखा इंजेक्शन लगाना कितना आसान है, आप लोग भी घर पर इसे ट्राई कर सकते हो लगाकर ऐसे नहीं, सावधानी रखकर, पूरी सावधानी के साथ आप इंजेक्शन लगाना सीख सकते हो। कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, और गाइस मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं तो काफ़ी टाइम से ये काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आप लोग भी स्टार्टिंग में अगर इसे लगाएंगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन बाद में आप लोगों को भी ये डर ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, इमरजेंसी में आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पर सावधानी के साथ। तो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए,
और एक बार और मैं आपसे कहूँगी कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। इतनी मेहनत करनी पड़ती है यार गाइस, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। मिलते हैं गाइस।